हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। और ECS T10 साइप्रस लीग के एक और महामुकाबला मैच में जो खेला जाएगा नाइट राइडर्स, ठीक है, साइप्रस नाइट राइडर वर्सेज अल फतह के बीच में। देखो भाई लोग, अगर आपको यहां से अच्छा विन करके जाना है, ताबड़तोड़ प्रॉफिट करके जाना है, बेहतरीन टीम बना कर जाना है, तो आपको क्या करना है ना, आपको बस वीडियो को अच्छे से वॉच करते रहना है। अगर आप यहां से वीडियो को अच्छे से वॉच करके जाएंगे तो 110% आप अच्छा प्रॉफिट करके जाएंगे, क्योंकि जो भी बंदे यहां से वीडियो को अच्छे से वॉच करके जा रहे हैं ना, उनका टीम कमाल का बन रहा है और वो अच्छे प्रॉफिट करके जा रहे, ताबड़तोड़ विनिंग हो रही है। और जैसे पिछले मैचों में हम लोगों ने ताबड़तोड़ प्रॉफिट किया है ना, इस मैच में भी हम लोग ताबड़तोड़ प्रॉफिट करेंगे और टॉप 10 में अपनी टीम लेकर आएंगे, जिससे कि अच्छा प्रॉफिट हो सके, ठीक है। तो देखो भाई लोग, अगर आप यहां से वीडियो को अच्छे से वॉच करके, तो हम आपको बताते हैं कि आपके लिए आपकी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन कौन से ऐसे परफेक्ट खिलाड़ी होंगे, जिस खिलाड़ी को अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन आप करके चल सकते हैं और वो खिलाड़ी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, ठीक है। हम आपको बताते हैं कि आपको अपना टीम कैसे बनाना है और कैप्टन वाइस कैप्टन किस खिलाड़ी करके चलना है और कौन से खिलाड़ी आपके लिए मोस्ट वैल्यूबल हो सकते हैं। हम आपको बताते हैं, यहाँ पर आपके लिए 8 से 9 खिलाड़ी अच्छे परफॉर्म करते हैं, लेकिन 2 से 3 खिलाड़ी अच्छे परफॉर्म नहीं करते हैं, इसमें आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन भी शामिल हो सकते हैं, ठीक है भाई लोग। हम आपको बताते हैं यहाँ पर कि आपके लिए ऐसे लॉजिकल 5 पंटर खिलाड़ी जिसके बारे में कोई नहीं बताता, लेकिन हम आपको बताते हैं उस खिलाड़ी को लेकर के चलने के लिए, अगर आप उसे लेकर के चलते हैं हमारी बातों पर, तो आपका टीम बेहतरीन परफॉर्म करके देता है। देखो भाई लोग, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है ना, तो देर मत कीजिए, टेलीग्राम पर आ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पे जितने बंदे जुड़े हुए हैं सभी बंदे अच्छे प्रॉफिट करके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको विनिंग टीम मिल रही है, ठीक है भाई लोग, और ताबड़तोड़ विनिंग और ताबड़तोड़ प्रॉफिट वाली टीम मिल रही है। यहाँ पर आप अच्छा तगड़ा विन करके जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको विनिंग टीम दी जाती है और जितने भी अपडेट होती है, या मैच सेलेक्टेड हो या फिर पी सेलेक्टेड या प्लेयर सेलेक्टेड, जितनी भी जानकारी होती है सारा जानकारी हम आपको A to Z जानकारी टेलीग्राम पर ही शेयर करते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पर आ जाइए। चलिए अब बात करते हैं आज के मैच के बारे में जो खेला जाएगा CKR वर्सेज AFT के बीच में। इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये पिच कैसा रहने वाला है और किसके फेवर में काम करने वाला है, बैट्समैन को या फिर बॉलर को, किसे सपोर्ट करके जाएगा, कौन से खिलाड़ी को आप कैप्टन वाइस कैप्टन करके जाएंगे और कितने खिलाड़ी का कम्बिनेशन आप करके चल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पिच का यहाँ पर जायजा ले लेते हैं कि पिच किसके फेवर में जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पर टीम बनाएंगे। अब देखो, ये जो मैच खेला जाएगा वो खेला जाएगा लिमासोल के ग्राउंड पर, और ये जो ग्राउंड रहने वाला है वो रहने वाला है बैटिंग फ्रेंडली और गुड फॉर पेसर के लिए काम करने वाला है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ का, कि आज के मैच में आप अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन किस खिलाड़ी को करके चल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपकी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन अगर परफेक्ट है, तो फिर आपका टीम बेहतरीन परफॉर्म करके जाएगा और यकीन मानिए वो खिलाड़ी आपके लिए अच्छे प्रॉफिट करके जाने वाले। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे ही खिलाड़ी देंगे जिस खिलाड़ी को अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन आप करके चल सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, हमने टोटल आपको 4 खिलाड़ी दिया है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, इसे कैसे यूज़ करना है वो देख लो। टीम वन में आपको क्या करना है, ए बकर सिद्दीक को और यहाँ पर डब्लू अख्तर को, ये 2 खिलाड़ी को अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन कर लीजिए, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाले हैं, ठीक है। दूसरी टीम में आपको क्या करना है भाई, डब्लू अजीज़ को और यहाँ पर एम रसेल को, ये 2 खिलाड़ी को कैप्टन वाइस कैप्टन कर लीजिए। अब देखो, हमने जो आपको ये 4 खिलाड़ी दिए हैं ना भाई, ये आज के मैच में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होने वाले हैं कैप्टन वाइस कैप्टन और मोस्ट सेलेक्टेड खिलाड़ी होने वाले हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, ड्रीम टीम आपको दे करके जाने वाले, तो इसे जरूर अपनी टीम में इस्तेमाल कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं ऐसे खिलाड़ी के बारे में, ऐसे 5 लॉजिकल पंटर खिलाड़ी के बारे में जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताता भाई, लेकिन हम आपको बताते हैं उस खिलाड़ी को लेकर के चलने के लिए, अगर उसे अपनी टीम में लेकर के चलेंगे ना, तो फिर आपका टीम कमाल का बनेगा और यकीन मानिए आप अच्छा प्रॉफिट यहाँ से करके जाने वाले, क्योंकि सभी का ध्यान जो रहेगा वो रहेगा हाईएस्ट सेलेक्शन पर, लेकिन हम आपको ऐसे लोएस्ट सेलेक्शन खिलाड़ी के बारे में बताएंगे जिस खिलाड़ी को अगर अपनी टीम में इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपका टीम बहुत अच्छा प्रॉफिट करके जाएगा और यकीनन वो खिलाड़ी आपके लिए अच्छे प्रॉफिट भी करके देने वाले। तो ऐसे ही हम कुछ खिलाड़ी देंगे जिस खिलाड़ी को अपनी टीम में जरूर इस्तेमाल करना चाहिए और यकीन मानिए वो खिलाड़ी आपके लिए अच्छे प्रॉफिट भी करके देंगे। तो टोटल हम आपको यहाँ पर 5 खिलाड़ी देने वाले हैं एज अ पंटर के लिए, कैसे यूज करना है भाई लोग आपको वो देख लो। आपको क्या करना है, टीम वन में आपको जाना है आर शेर के साथ, एफ महमूद के साथ और एस सुबो के साथ, ये 3 खिलाड़ी को ना अपने टीम में रख लो भाई एज अ पंटर के लिए, ठीक है। और दूसरी टीम में आपको क्या करना है, दूसरी टीम में जाना है आपको आर हसन के साथ और जे मिला के साथ, ये खिलाड़ी आपके लिए मोस्ट वैल्यूबल खिलाड़ी होने वाले हैं एज अ पंटर और एज अ ट्रम्प कार्ड। देखो भाई लोग, यहाँ पे हमने आपको टोटल 5 खिलाड़ी दिया है, इसमें चाहे तो एक खिलाड़ी को ड्रॉप कर देना, लेकिन 4 खिलाड़ी को अपनी टीम में जरूर लेकर चलना, ये आपके लिए गेम चेंजर और ये आपके लिए मोस्ट वैल्यूबल खिलाड़ी होने वाले हैं एज अ पंटर एज अ ट्रम्प कार्ड के लिए, ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट सुटेबल खिलाड़ी होंगे। चलिए अब बात करते हैं कि अब आपको अपना टीम कैसे बनाना है, कैप्टन वाइस कैप्टन किसे यूज करना है, कौन से खिलाड़ी आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं, तो वो देख लेते हैं। हम यहाँ पर बात कर ले कि हमने आपको विकेट कीपर के तौर पर
दो विकेट कीपर दिया है और 5-6 का कम्बिनेशन यूज किया है। इसमें से दो विकेट कीपर में एबकर सिद्दीक और आर सरकार अपने टीम में होने वाले हैं। बैटर में भी दो बैटर यूज किया है, ए हुसैन को और ए सुबो को। ऑलराउंडर में यहाँ पर देखेंगे तो 5 ऑलराउंडर यूज किया हुआ है, आई जमन को, डब्ल्यू अख्तर को, यू फारकी को और ए एस सुराड़ी को और डब्ल्यू अजीज, ठीक है। बॉलर में यहाँ पर दो बॉलर होने वाले हैं, टी हुसैन और यहाँ पर एम रसेल, ठीक है। इसमें से कैप्टन देखेंगे तो हमने यहाँ पर डब्ल्यू अख्तर को, वाइस कैप्टन डब्ल्यू अजीज को बना के रखा हुआ है। देखो भाई लोग, ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करेंगे, आप हमें टेलीग्राम पर आकर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।